चलते हैं कि अभी आगे क्या हुआ और कैसे माँ समरेश्वरी की उपासना की गई। हमारी छोटी सी पेशकश जय माँ समरेश्वरी। एक ऐसी विडम्बना, छोटी सी दिखने वाली एक खरगोश ने मेरे शेर जैसे दो कुत्ते को हरा दिया। शायद मैं थक गया, थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। उठो पुत्र, जागो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मेरे पास आओ, मैं चंद्रपुर के एक सुमेर के पेड़ के नीचे हूँ। मेरे पास आओ पुत्र, यहाँ से मुझे ले चलो और मेरे एक भव्य मंदिर स्थापना करो। मेरे पास आओ पुत्र, जागो जागो जागो। ये कौन सा देवी थी या शक्ति थी, मुझे क्यों बुलाया? कौन सा या शक्ति थी, मुझे जानना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। अभी मैं जाता हूँ जानने के लिए। कौन है ये, कौन सी थी? माँ, जब राजा बलराम देव रुके तो उनको बहुत बड़े नदी के बहाव का सामना करना पड़ा। नदी के बहाव को पार करने के बाद वो आ पहुंचे उस जंगल में जहां देवी माँ ने बुलाया था। आइए अब आगे देखते हैं कि हमारे राजा को समरेश्वरी माँ मिली या नहीं। कहाँ है ये देवी, कहाँ है ये देवी, कहाँ है ये देवी, यह सब कहाँ है? माँ, मैं धन्य हो गया। माँ, मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। माँ, मैं धन्य हो गया। पर माँ, आप कौन सी देवी हो? माँ, मैं आपको कैसी पूजा करूँ? माँ, आप कौन सी देवी हो? आप शिव जी की घरनी माँ पार्वती हो या विष्णु की माँ लक्ष्मी या फिर बीणापाणी सरस्वती हो? आप कौन हो माँ, आप कौन हो? मैं देवों के देव महादेव श्री शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती हूँ। तुम यह जानना चाहते हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो सुनो। जब हम स्वर्ग लोग गए थे वहाँ देवराज इंद्र और सची ने बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया। मुझे भेंट स्वरूप सात पारिजात पुष्प प्रदान किए। उनसे आनंदित होके जब हम कैलाश की ओर लौट रहे थे तब शिव जी ने छल करके अपने एक जटा को आठ भाग करके यहीं पे गिरा दिए, जो आज अष्टस्तंभों के नाम से परिचित है। तो मैंने भी उनसे अनुमति लेके अपने पास मौजूद सात पारिजात पुष्प को यहीं पे गिरा दिए, जिससे हम सातों बहनों की आविर्भाव हुआ है। सबसे बड़ी बहन मैं समरेश्वरी हूँ और मेरी बहनें हैं पाटलेश्वरी, सुरेश्वरी, माणिकेश्वरी, चंद्रहासिनी, घंटेश्वरी और सबसे छोटी बहन है मेरी मेटा रानी। आखिर चरण पाकर ये धरती पावन हो गया माँ। पर माँ, मैं आपको कैसे पूजा करूँ? माँ, आपका पूजा विधि क्या है? माँ, मैं आपको कैसे पूजा? हे वत्स,
तो मेरे लिए नया धान लेके आओ। हे माँ, ये तो भाद्रव की महिमा है माँ। इस महीने में तो नया फूल भी नहीं खिलती, और मैं इस महीने में नया धान कहाँ से ले आऊँ माँ, नया धान कहाँ से ले आऊँ। हे पुत्र, तुम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो, वहाँ तुम्हें पके हुए धान मिलेंगे, वह लेके आओ और मेरी पूजा करो। ऐसी अच्छी है माँ। Oh,